वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। इट इज जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास फोर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। टुडे वी स्टडी अबाउट क्लास टेंथ मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीडियो नंबर 9। पिछला वीडियो देख लिए होंगे, इक्वेशन के बारे में सब कुछ बता दिए, बहुत सा क्वेश्चन बना, एग्जाम वाला क्वेश्चन सब पार हो रहा है। दो क्वेश्चन अभी और डिस्कस कर दिखाते हैं आपको। एक ट्राइंगल ए बी सी दिया हुआ है, ध्यान सुनिए, पॉइंट दिया हुआ है तीन गो, ए बी सी। ए बी सी ए पॉइंट कितना है 14, बी पॉइंट कितना है 32 और सी पॉइंट दिया हुआ है 75। क्लियर है? और तीनों का निकालना है सेंट्रो में, बीचों बीच, मिड पॉइंट टाइप का बात है। सी मतलब जी नाम दे दिए, जी को बोलते हैं हम लोग क्या है, सेंट्रोइड, सेंटर, जो ठीक बीचों बीच होता है, है ना, ठीक बीचों बीच। मतलब इसका फार्मूला क्या हुआ, तीनों पॉइंट पता है तो पहला एक्स वन प्लस एक्स टू बाई, उसमें टू था ना, इसमें थ्री होगा, एक्स तीनों एक्स को जोड़ के थ्री से डिवाइड कर दीजिए। मिड पॉइंट में कैसे निकाल, दोनों एक्स को जोड़ के दो से डिवाइड करिए, दो पॉइंट था, यहाँ पे तीन पॉइंट है तो थ्री से डिवाइड करना पड़ेगा। और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, बोलिए, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वन प्लस थ्री प्लस सेवन, वन प्लस थ्री प्लस सेवन बाई थ्री। क्लियर है? और क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, वन फोर थ्री टू है 75, ठीक है ना, 4 और 2 6 और 5 11, 4 प्लस 2 प्लस 5 बाई 3, तो कितना हो गया 11। सेंट्रोइड निकालने का तरीका बता दिए, जी मतलब क्या, सेंट्रोइड, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो ये पॉइंट पता चल गया 11 3 11 3, जी पॉइंट पता चल गया, अंडरस्टूड, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन भी निकालना है, देखिए सोचते हैं कैसे निकालेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सेंट्रोइड और पैरेलल टू, क्या लिखा हुआ है, पैरेलल टू ए बी, ए बी कहाँ, यहाँ, मतलब एक ऐसा लाइन निकालना है जो सेंट्रोइड से पास कर रहा है, एक ऐसा लाइन निकालना है जो सेंट्रोइड से पास कर रहा है और ए बी के पैरेलल है, ए बी इधर है, पैरेलल है। अब इसका पॉइंट तो पता चल गया, इस लाइन का एम और सी चाहिए ना, चाहे एक पॉइंट चाहिए ना, एक पॉइंट चाहिए कि नहीं, इसका है पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर पता चल गया। काश इसका क्या पता चल जाए, क्या काश इसका क्या पता चल जाए। दो क्वेश्चन है, सेंट्रोइड निकल चुका है, सेंट्रोइड निकालने के बाद ही बनेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सेंट्रोइड, सेंट्रोइड से जो पास कर जाए, क्लियर है, और ए बी के पैरेलल हो, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, लाइन का इक्वेशन के लिए पॉइंट पता है, अब इसका सबसे मेन चीज क्या नहीं पता है, एम नहीं पता है, स्लोप नहीं पता है। स्लोप निकालेंगे तब बनेगा, स्लोप कैसे निकालेंगे सोचिए, ए बी के पैरेलल लिख दिया है तो मतलब जो ए बी का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप होगा। अंडरस्टूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस जो कल और आज मेरा है सबसे मेन क्वेश्चन, इसको जो बना लेगा कोई जरूरत नहीं इसको एक्स्ट्रा बनाने का, एग्जाम में दिमाग से बना सकता है, फिर वो नोट कीजिए बता रहे हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसे बना रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जो कहाँ से सेंट्रोइड से पास कर रहा है, इसका पॉइंट पता चल गया 11 बाई 3 11 बाई 3, पॉइंट पता चल गया। इसका इस लाइन का क्या नहीं पता है, एम नहीं पता है, ना एंगल दिया हुआ है, ना दो गो पॉइंट दिया हुआ है, ना एम दिया हुआ है, कैसे बनाए। लेकिन ये तो लिखा हुआ है ना कि लाइन इज पैरेलल टू ए बी, मतलब एम ऑफ लाइन और एम ऑफ ए बी बराबर होगा पैरेलल में, हम दिमाग लगा लिए, पैरेलल लिखा हुआ है, हम समझ गए आंसर वहीं छिपा हुआ, ए बी का जो स्लोप होगा वही इस लाइन का भी स्लोप हो जाएगा, तो एम पता चल जाएगा, पॉइंट पता चल जाएगा, तो बना लेंगे। बोलिए एम ऑफ लाइन इक्वल टू एम ऑफ ए बी, 4 में 2 गया 4 माइनस 2, 1 में 3 गया 2 बाई माइनस 2 माइनस 1, एम क्या निकल गया -1, इसका अब इसका एम पता चल गया कितना -1, तो हम लोग का पता चल गया इक्वेशन निकालने के लिए, अब हम लोग इक्वेशन निकालना, एम पता चल गया -1 और पॉइंट भी पता है 11 बाई 3 11 बाई 3। क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ द लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड ऐसा लिखा हुआ है, मतलब जी से पास कर रहा है, पॉइंट पता चल गया। कौन सा यूज करेंगे बोलिए, y-y1 m इंटू, सबको याद हो गया, 100 बार से ज़्यादा लिख चुके हैं ना आप लोग के सामने, मतलब बहुत बार लिख चुके हैं। y-y1 क्या है, 11 बाई 3 माइनस 1, x-x1 11 बाई 3 3, y-11 माइनस 1 3, 3x-11 3 3, काट देंगे, एलसीएम ले लिए थे, अब क्या बच गया 3y-11 माइनस 3x प्लस 11, 3y
प्लस 3x माइनस 22 इक्वल टू जीरो। अंडरस्टूड? सवाल कैसे बनाए हैं तो ऊपर लिखते रहे, यहाँ तक क्लियर है? 3 एलसीएम में काट दिए तो क्या बच गया मेरे पास, 3y माइनस 11 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 11, 3y प्लस 3x माइनस 22 इक्वल टू जीरो। नोट कर लीजिए, एकदम अच्छा से बता दिए। एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है ना, चलिए 23 नंबर। ए बी सी आर थ्री पॉइंट्स, ट्रायंगल का तीन पॉइंट दिया हुआ है, क्लियर है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बी से पास करे, बी से पास करे, एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो बी से पास करे और एक पॉइंट पी से भी पास करे, एक पॉइंट पी से भी पास करे। पी पॉइंट इस तरह से है कि ए पी और पी सी का रेशियो, क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू वर्टेक्स क्या बी से पास करे एंड पी से पास करे, पी डिवाइड कर रहा है जॉइन ऑफ ए बी सॉरी ए सी इन रेशियो क्या 2:3। पी डिवाइड कर रहा है ए सी को किस रेशियो में, ए पी टू पी सी, याद है रेशियो वाला आ गया, सेक्शन फार्मूला आ गया, ये एम है, ये एन है, ये क्या है एम है और ये क्या है एन है। पी पॉइंट हम लोग को निकालना पड़ेगा, जब पी पॉइंट निकाल लेंगे तो दो पॉइंट पता चल जाएगा। अब दो पॉइंट के सहायता से तो इसका क्या पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए और एक पॉइंट पता होना चाहिए, आ जाएगा आंसर। एक पॉइंट तो पता है, एम निकालने के लिए थीटा उटा कुछ नहीं है, पैरेलल भी नहीं दिया, परपेंडिकुलर भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस पॉइंट से पास करके दूसरा पॉइंट पता चलेगा। तो सबसे पहले लेट पी पॉइंट पी इज क्या सॉरी द पॉइंट पी इज बोली क्या हुआ, पी पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग। आ जाइए सेक्शन फार्मूला, दो गो पॉइंट बीच में पॉइंट पी, ये एम है, ये एन है, फिर कि नहीं याद है कॉन्डिटोमेट्री कैसे निकालते हैं, सेक्शन फार्मूला 2 × −3 क्रॉस कर रहे हैं एम का वैल्यू को एक्स के साथ, 3 × 7 = 21 बाई 2 और 3 = 5 एम प्लस एन, क्लियर है? 2 × 4 = 8 3 × 1 − 3 = 5 15 by 5 5 by 5 3 or 1 पी पॉइंट निकल गया, पी पॉइंट 3:1 निकल गया, पी पॉइंट क्या निकल गया हम लोग का 3:1। पी पॉइंट क्यों निकाले सर, काहे निकाल, निकालने तो बोला नहीं था, लेकिन बिना पॉइंट निकाल कैसे निकालते, इस इक्वेशन का लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए वो क्या चाहिए था, एम चाहिए था, चाहिए था कि नहीं एम, और साथ में क्या चाहिए था एम, एम तो चाहिए, एम कैसे निकालेंगे, थीटा भी नहीं दिया हुआ है, पैरेलल भी नहीं दिया हुआ है, कुछ के परपेंडिकुलर भी नहीं दिया हुआ है, तो ये पॉइंट से पास कर रहा है तो ये पॉइंट निकाल दिए, ये पॉइंट कैसे निकाले, सेक्शन फार्मूला को यूज करके, क्या यूज किए हम लोग, सेक्शन फार्मूला याद है ना, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन एम वाई टू प्लस, इसको यूज किए हैं, आपको समझ में आ रहा, याद नहीं रहता तो बहुत प्रैक्टिस करने से याद होता है, इतना आसान नहीं, मत समझिएगा, क्लियर है? अब हम लोग का आगे क्वेश्चन, अब हम लोग को एक लाइन निकालना है जो बी से पास कर रहा है और समझ लीजिए पी से भी पास कर रहा है, बी से भी पास कर रहा है कि नहीं 4:1 और पी से भी पास कर रहा है कि नहीं 3:1, क्लियर है? बी से भी पास कर रहा है, पी से भी पास कर रहा है, एम का वैल्यू कितना होगा, वाई को माइनस करिए 0 ही आ गया, 3 में 4 गया −1 एम 0 आ गया, y को माइनस करना पड़ता है, x को माइनस करना पड़ता है, 0 आ गया, इसलिए क्या होगा इक्वेशन ऑफ bp क्या होगा y − y1 = m × x − x1 y − y1 कौन सा, इसको यूज कर ले, ठीक है ना, ये 1, m का वैल्यू क्या है 0, x − x1 = 4 ये तो पूरा ही 0 हो गया, y − 1 = 0 यानी y = क्या होगा y, नोट कर लीजिए, तो अच्छा से बता दीजिए। चलिए 14D में दो चार क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, चलिए 14D डिस्कस करते हैं। इक्वेशन y = 4 दे दिया, m निकालने बोल दिया, y = 4 कैसा लाइन है, y = 4 कैसा लाइन है,
थीटा इसका याद रखिएगा, थीटा बता चुके हैं जीरो डिग्री होता है, एम भी क्या होगा इसका जीरो, और सी कितना है, सी का वैल्यू क्या है, और खत्म छोड़िए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर एम सी थीटा निकालने बोल दिया, तो कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर, माइनस वाई उधर गया माइनस एक्स प्लस फोर, वाई का साइन चेंज कर दीजिए, एक्स माइनस फोर, इसको कंपेयर करिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम का वैल्यू क्या आ गया वन, सी का वैल्यू कितना हो गया माइनस फोर, थीटा भी निकालने बोल दिया, एम को ये तो टेन थीटा का वैल्यू वन, थीटा इक्वल टू वीडियो नंबर सेवन में देख लीजिएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड नंबर, दो गोलाइन परपेंडिकुलर है और प्रूव करने बोल रहा है परपेंडिकुलर कैसे, इक्वेशन दिया हुआ है परपेंडिकुलर, तो ये किसका रिलेशन है, स्लोप का रिलेशन है, दो गो स्लोप निकालेंगे एल वन एल टू, दो और अगर एम ऑफ एल वन इंटू एम ऑफ एल टू करेंगे, अगर पैरेलल बोलेगा तो इक्वल होता है, अगर पैरेलल बोलते तो इक्वल प्रूव कर देते हैं, और बोल रहा परपेंडिकुलर तो माइनस होना चाहिए वन, वन माइनस होना चाहिए, क्लियर है, अब निकालते हैं स्लोप, बोलिए फर्स्ट लाइन एल वन थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू माइनस सेवन, स्लोप उलोप निकालना है तो हमेशा इस रूप में आंसर होना चाहिए, तब स्लोप पता चलता है, स्लोप से बनेगा है कि नहीं, जिसे हम लोग बुखार में अपने टेम्परेचर यूज कर, टेम्परेचर देखने के लिए क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर, वैसे ही स्लोप निकालने के लिए किस रूप में होना चाहिए, इस रूप में इक्वेशन होना चाहिए है कि नहीं, लिखते हैं देखते हैं क्या होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा, उधर गया माइनस थ्री एक्स सेवन, उधर से फोर से डिवाइड कर दी, सो वगैरह क्या क्या किए हैं, थ्री एक्स उधर गया माइनस थ्री एक्स फोर से डिवाइड कर दिए, तो ए देखिए एम कितना निकला इसका माइनस थ्री बाई एम ऑफ एल वन निकल गया, सो वगैरह क्या किए हैं, नहीं मन पड़ा, 4y का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन और डिवाइड कर दी, m निकल गया, c बोलता तो माइनस सेवन बाई फोर होता, क्लियर है, y निकालना पड़ता है, y का वैल्यू निकालिए तो x का जो मल्टीपल होता है वही क्या होता है ना, y निकालिए, y में जो मल्टीपल, चलिए थोड़ा साफे सूत्र बनाते हैं और अच्छा ही से करके बना रहे हैं, तो y का वैल्यू क्या हो गया माइनस थ्री एक्स बाई फोर माइनस सेवन बाई फोर, एम से ही मतलब सर एम का है निकालें, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए स्लोप में ही रिलेशन है और कुछ रिलेशन नहीं है। अब आइए L2, L2 कितना है 28x माइनस 21y इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी, ऐसे मतलब 4 बाई थ्री आना चाहिए, यहाँ पे आएगा 4 बाई थ्री, उधर ले जाइए माइनस 21y इक्वल टू माइनस 20x प्लस 50 माइनस 50, उधर गए माइनस 50 है, क्लियर है, उधर ले गए हैं 28y है, डिवाइड करिए माइनस 28x बाई माइनस 28 माइनस 50 बाई माइनस 28, अंडरस्टूड, अब काटा काटी कर दीजिए y, सो 21 है, देखो यहाँ 21 है ना, x का 21 है, क्या निकला y इक्वल टू निकल गया y इक्वल टू 28x बाई 20 50 बाई 28 प्लस m निकल गया इसका भी m ऑफ l2 28 बाई 21 74 जो 73 जो, क्लियर है, दोनों का एम निकाल दिए, अब हम लोग को फोर परपेंडिकुलर के लिए ये रिलेशन है, देखते हैं कि अगर माइनस वन आया तो बोलेंगे परपेंडिकुलर है, और बोलता पैरेलल तो बराबर दिखा देते, ये दोनों बराबर आता तो पैरेलल बोल देते, परपेंडिकुलर के लिए बोलिए क्या होगा, परपेंडिकुलर के लिए एल एम ऑफ एल वन कितना है माइनस थ्री बाई फोर, एम ऑफ एल टू कितना है 4 बाई थ्री, काटा काटी हो गया 4 4 3 3 माइनस 1 बच गया, तो क्या बोलेंगे लाइन्स आर एल वन एंड एल टू आर, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, और टू लाइन्स आर गिवन 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू जीरो, ए एक्स प्लस 3y इक्वल टू, और दोनों क्या दिया हुआ है पैरेलल, और a और b में क्या रिलेशन है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या जानते हैं m ऑफ l1 इक्वल टू m ऑफ l2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो a और b में अपने आप रिलेशन आ जाएगा, तो सबसे पहले l1 का स्लोप निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, स्लोप निकालने के लिए क्या किस रूप में लिखना पड़ता है, इस रूप में लिखते हैं 2x माइनस बी वाई इक्वल टू माइनस 5, बी वाई इज इक्वल टू उधर गया माइनस टू एक्स माइनस फाइव, वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स बाई माइनस बी से डिवाइड कर दीजिए, माइनस बी से डिवाइड कर दिए तो वाई का वैल्यू माइनस कट गया 2 बाई बी एक्स प्लस 5 बाई एम निकल गया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में सी बोलता तो ये आंसर एम ऑफ एल वन निकल गया, कितना हो गया 2 बाई बी, एम ऑफ एल वन इज इक्वल टू 2 बाई बी,
अंडरस्टूड। अब आएंगे एल टू में, आएंगे एल टू कितना है, ए एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टू, थ्री वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, वाई का वैल्यू क्या हो गया ए बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री, तो इसका भी एम ए देखिए आ गया, एक्स का मल्टीपल क्या है माइनस ए बाई थ्री, यही ना एम होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एम होता है। सिंस क्या बोलेंगे, लाइन्स एल वन एंड L2 R क्या है पैरेलल, M of L1 इक्वल टू M of L2, M of L1 क्या है 2 by B और माइनस A by 3, यानी AB इक्वल टू क्रॉस कर दिए माइनस 6, AB इज इक्वल टू, देखो आंसर है AB इज इक्वल टू माइनस 6, यही आंसर होगा, यही रिलेशन है A और B में। तो चलिए आज काफ़ी क्वेश्चन कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 14D खत्म करेंगे, दो वीडियो और दे देंगे आपको, है ना, दो वीडियो के बाद चैप्टर खत्म, क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।